लखनऊ में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर सीएम योगी और राज्यपाल राम नाईक ने महात्मा गांधी और शास्त्री जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही सीएम और राज्यपाल ने चरखा भी चलाया। दिल्ली में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट जाकर बापू को श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने भी बापू को नमन किया। लखनऊ में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। इसमें तमाम पुलिसकर्मी, स्कूल के छात्र छात्राएं, एनसीसी के छात्रों और व्यापार मंडल के लोगों ने हिस्सा लिया। बांदा में गांधी जयंती के मौके पर आज सुबह हजारों स्कूली बच्चों ने विशाल जुलूस निकालकर शांति और स्वच्छता का संदेश दिया। गोरखपुर में गांधी जयंती के मौके पर निकाली गई प्रभात फेरी, जिसमें हजारों की संख्या में छात्र छात्राओं ने लिया हिस्सा। प्रतापगढ़ के कंपनी गार्डन में शास्त्री और गांधी जयंती पर मंत्री राजेंद्र प्रताप मोती सिंह ने 30 मिनट का राष्ट्रीय ध्वज फहराया। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान का सम्मान हुआ। मुरादाबाद में गांधी जयंती पर बच्चों को स्वच्छता का संदेश दिया गया। साथ ही स्वच्छता के मायने को भी बच्चों को समझाया गया। इस दौरान तमाम पुलिसकर्मी भी सफाई करते नजर आए। गांधी जयंती के मौके पर कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही देवरिया की मलिन बस्ती पहुंचे, जहां उन्होंने साफ सफाई की। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने स्वच्छता के लिए निरंतर बल दिया था। संभल में जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने गांधी जयंती पर वृक्षारोपण किया। साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के शहीद स्तंभ पर फूल चढ़ाए। लखनऊ में भाजपा एमएलसी यशवंत सिंह के नेतृत्व में बहिष्कार रैली का आयोजन किया गया। लोकतंत्र सेनानी कल्याण समिति की ओर से चीन निर्मित सामग्री का बहिष्कार किया गया। लखनऊ में विवेक तिवारी की हत्या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट में आरोपी को बचाने की कोशिश करती नजर आ रही है पुलिस। लखनऊ में हुए विवेक तिवारी हत्याकांड के बाद घटनास्थल पर पहुंचे आईपीएस अमिताभ ठाकुर और नूतन ठाकुर। घटनास्थल का लिया जायजा। लखीमपुर में लखनऊ में विवेक तिवारी हत्याकांड मामले में आरोपी के समर्थन में सिपाही मुहिम चला रहे हैं। आरोपी को बचाने के लिए विभाग के विरोध में सभी सिपाही खड़े हो गए। चित्रकूट के मानिकपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने शराब बनाने के उपकरण और 500 लीटर केमिकल मिक्स शराब बरामद की है। मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बस्ती के छावनी में पशुओं को राजस्थान से बिहार ले जा रहे पशु तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने कई पशुओं को भी बरामद किया। शाहजहांपुर में एक शिक्षिका अपने खर्चे पर स्कूल में लैब बनाकर रेशम के कीड़ों की पैदा करने की बच्चों को ट्रेनिंग दे रही है। बच्चे भी ये पूरा इंटरेस्ट के साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं। कानपुर देहात में सिपाही नरेश चंद की गोली लगने से मौत हो गई। सिपाही की राइफल की गोली लगने से सीने में गोली पार हुई। गजनेर थाने के पामा चौकी में तैनात था मृतक सिपाही। एटा में 3 तलाक का मामला सामने आया। युवक ने प्यार का झूठा नाटक कर युवती के साथ बनाए शारीरिक संबंध, गर्भपात कराकर फोन पर दिया 3 तलाक। बिजनौर में बीजेपी विधायक कमलेश सैनी एसपी ऑफिस में अपने समर्थकों समेत धरने पर बैठे। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल। अमरोहा में आरपीएफ सिपाहियों ने बैरिक बंद कर रेलवे कर्मी की पिटाई की। नाराज कर्मचारियों ने आरपीएफ चौकी पर धक्का मुक्की कर जमकर हंगामा किया। सिपाहियों को बर्खास्त करने की मांग। फिरोजाबाद में चोरी करके भाग रहे बदमाश को लोगों ने घेरा। बदमाशों और लोगों के बीच हुई फायरिंग, एक बदमाश की मौके पर मौत, बाकी साथी हुए फरार। मेरठ में नमकीन और आलू के चिप्स बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लखनऊ में केजीएमयू संस्थान के चीफ प्रोक्टर ने रैगिंग के मामले में एमबीबीएस और बीडीएस द्वितीय वर्ष के मेडिकोस पर 1000 का जुर्माना लगाया। साथ ही सुरक्षा एजेंसी पर भी 5000 रुपए का जुर्माना लगाया।
दिल्ली में पेट्रोल में 12 पैसे और डीजल में 16 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। आज पेट्रोल 83.85 रुपए प्रति लीटर है जबकि डीजल 75.25 रुपए प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल 91.20 रुपए और डीजल। लखनऊ में विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने छात्रों से मुलाकात कर समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। 10 दिनों की मांगी मोहलत, एबीवीपी के छात्रों ने खत्म किया धरना। दिल्ली के रालेगढ़ सिद्धी में लोकपाल किसानों के मुद्दे पर आज से भूख हड़ताल पर रहेंगे अन्ना हजारे। मथुरा में हेमा मालिनी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, साथ ही गांधी जयंती के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित। कन्नौज के त्रिलोकपुर गांव में क्रांतिकारी शिक्षा सदन में गांधी जयंती के मौके पर पूर्व राज्य मंत्री ने 24 घंटे मौन धारण कर उपवास रखा। उन्होंने मौन रखकर प्रेम अहिंसा का संदेश दिया। मुजफ्फरनगर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान अवैध हथियार लहराने का वीडियो वायरल हुआ, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुरू की जांच। मऊ के मधुबन थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले जिसमें कई लोग घायल हुए। सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। वाराणसी में देश के विभिन्न राज्यों से किन्नर समाज के लोग इकट्ठा हो गए। 50 मोर्चों ने स्थित कुंड पर वो अपने पूर्वजों का तर्पण कर रहे हैं। झांसी के बड़ा गांव थाना क्षेत्र में सिपाही ने पत्नी और अपने 3 बच्चों को जहर खिलाकर मार दिया। घटना को अंजाम देकर आरोपी सिपाही मौके से फरार हो गया। शाहजहांपुर के बरेली मोड़ पर रोडवेज बस ने महिला ने एक बस में बच्चों को जन्म दिया है, इसके बाद बच्चे की मौत हो गई। महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। भदोही के गोपीगंज कोतवाली इलाके में पुलिस ने अवैध बालू से लदे 2 ट्रैक्टरों को पकड़ा है। खनन माफिया अवैध खनन की गई बालू को महंगे दाम में बेचकर राजस्व को लाखों का चूना लगा रहा था।